हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रविका को भगवान ने 5 बेटों का सुख दिया था और 5ों की अच्छे से शादी भी हो चुकी थी, पर फिर भी रविका खुश नहीं थी क्योंकि उसकी 3 बहू अनु, शिखा और नीरा तोतली थी और 2 छोटी बहुएं माही और काजू गुंगी थी, जिसके चलते रविका का कई बार आसपास के लोग मजाक बनाया करते थे। ऐसे ही एक सुबह नाश्ते के टेबल पर, अरे कहाँ मर गई सबकी सब, आज की तारीख में नाश्ता मिल जाएगा या नहीं? आ ले हैं मादी, आ ले हैं। कहाँ जा रहे हैं? अरे नाश्ता लाने को कहा है, जाने को नहीं कहा कहीं। ओफो मादी, दाना नहीं आना, नाश्ता ले आए हैं। अरे किसकी आस्था, अरे मुझे भूख लगी है, नाश्ता ला दो देवियों। अरे मादी वही तो लाए हैं, नाश्ता नाश्ता। हे भगवान, तुम तीनों का ये तोतलापन ना एक दिन मुझे पागल कर देगा। ओ आई 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 आए नहीं होए, आए होए। देता मादी, ये दोनों भी हमारी बातें थमत जाती हैं, पर आप नहीं। हाँ मादी, इतने तालते हम एक तात हैं, तब भी आप हमारी बातें नहीं थमत पाती। ये बहुत गलत है। अरे चुप करो तुम सारी की सारी, पता नहीं मैंने कौन से पाप किए थे जो मुझे बहुएं भी मिली तो एक से बढ़कर एक। 2 का स्पीकर ही जाम है और 3 का चलता है, पर ऑडियो में कचरा है, साफ नहीं है। मेरे ही नसीब में ये 3 तोतली और 2 गूंगी बहुएं लिखनी थी क्या भगवान? अरे टुकुर टुकुर क्या मुंह देख रही हो, नाश्ता दे दो। 5ों बहुएं जल्दी से रविका को नाश्ता परोस देती है और खुद भी साथ बैठकर नाश्ता करती है। ऐसे ही वक्त बीतता है। रविका का आधे से ज्यादातर वक्त अपनी बहुओं की बातों को समझने में बीत जाया करता था। ऐसे ही एक दिन 5ों बहुएं घर के काम में लगी हुई थी और टीवी पर गाने चल रहे थे, तभी टीवी पर अनु की पसंद का गाना आता है और वो हाथों में झाड़ू को माइक बनाकर गाने लगती है। ओ हुदूल, तेला 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 छुलूल। अले वाह दीदी, तात तुलते तुल मिलाया आपने। लुको, मैं और नीला भी दाते हैं। हाँ हाँ दीदी तलो। 1 2 3 तुलू। ओ दूल, तेला 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 तुलू। अनुशिखा और नीरा को गाते देखकर काजू और माही भी अपने बंद पड़े स्पीकर से बैकग्राउंड म्यूजिक देने लगती हैं। ओ घर में गूंजती ये भयंकर आवाजें सुनकर रविका कमरे से बाहर आती है तो देखती है कि उसकी 5ों बहुएं मस्त सुर से सुर मिला रही हैं। रविका को ये सब देखकर पहले तो हंसी आती है, पर फिर वो गुस्से में टीवी का स्विच ऑफ कर देती है और बोलती है, बस करो, क्यों गली के सोए हुए कुत्तों को जगाने में लगी हो? अरे इतने गंदे सुरों में गा रही हो। नीरा, अनु और शिखा का तो मुझे भी समझ आता है, पर काजू और माही तुम कौन से ताल में ताल मिला रही हो? आई आउ उए ओ आवा आया यो आया ये आ अभी आए। अरे ये हाथ पैर मारकर पता नहीं कौन सी मलयालम बोल रही है, मुझे पल्ले नहीं पड़ रही। मादी वो बोल रही है कि हम दाना दाता मदे ले सकते हैं। मैं यहाँ गाने की बात कर रही हूँ और तुम खाने की बात कर रही हो, मेरी बात को घुमा रही हो बहू। बट आप तो तमत नहीं आया। मादी अब हम क्या करे, हम तहते कुत है, आप तो तमत तो तौर आता है, थोड़ा ध्यान से सुना करो तब तमन में आ जाएगा, पर आप तो तोते भी नींद आती है। कुछ मत करो, जाओ जाकर अपना अपना काम करो, इंडियन आइडल बनेंगी ये महारानियाँ। रविका की बात सुनकर 5ों बहुओं का मुंह उदास हो जाता है और वो गाना छोड़कर वापस से अपने कामों में लग जाती हैं। ऐसे ही वक्त बीतता है। रविका को थोड़ा थोड़ा अपनी बहुओं की बातें समझ आने लगी थी, जिससे उसकी परेशानी काफी हद तक कम हो गई थी। ऐसे ही एक शाम नीरा, अनु और शिखा बाजार से सब्जियां लेकर घर आ रही थी, तभी रास्ते में मजनू और सर्किट नाम के 2 गुंडे उन्हें छेड़ते हुए कहते हैं, ओए ओए क्या मस्त मस्त आइटम हो तुम तीनों, कोई एक नंबर दे दे अपना। अरे नंबर को मारो गोली, सीधा दिल ही दे दो ना। ए लदाऊं क्या डालते ऊपर डोल डाल। ओए क्या बोली, फिर से बोल। दीदी ने कहा थी ए तत्तल लदाऊं था। हाँ हलते में ले लिया क्या? अरे भाई ये तो तीनों की तीनों ही पोपट है, बोले तो तोतली। हाँ बे ये तो बढ़िया लग रही है बोलते हुए, एक बार फिर से बोलकर दिखा रहे, मजा आया तेरे को सुन के। एक काम कर, बारी बारी से तीनों के तीनों हम दोनों को गाना गाकर दिखाओ, तभी हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे। ए टाइम थलाप मत कर हमाला, नहीं तो बहुत बुला मारूंगी। भाई ये पिपनी अपन लोगों को,
फूल तेरे लिए। पीपनी तित तो बोला तुत, अभी हम तुम्हें बताते हैं। तीता, माही और दादू को फोन कर। शिखा जल्दी से माही और काजू को कॉल करती है और अपने कोड वर्ड्स में उन्हें सब कुछ समझाती है। तभी मजनू बोलता है, ए आइटम टाइम पास मत कर, अपन को लड़कियां भी छेड़ने को जाने का है, जल्दी कुछ सुना चल। नहीं सुना ले, बोल क्या करोगे। हम तय ले ना, हमारा लाता थोड़ दे, नहीं तो बहुत बुरा होगा। हाँ ताने दो हमें। भाई ये पीपनिया तो ज्यादा ही बोल रही है, लगता है इनको अपना गुंडा अवतार दिखाना ही होगा। इतना कहकर जैसे ही सर्किट और मजनू अनु पर हाथ उठाने लगते हैं, तभी वहाँ पर स्कूटी पर सवार हाथों में हॉकी लिए माही और काजू आते हैं और चलती स्कूटी से ही मजनू पर वार करते हैं, जिसके बाद दोनों स्कूटी को साइड में लगाकर अपनी गूंगी भाषा में बोलती हैं। आए हुए ए ए ए वाई ए ए आई गए ए आया ए अंगया। अरे भाई देखो इन तीनों पीपनियों ने म्यूट बटनों को अपनी मदद के वास्ते बुलाया, बोले तो गजब कॉम्बो है। क्यों री म्यूट बटन, तू अपन को सबक सिखाएगी। आई आऊई वही आए। इतना कहकर माही और काजू एक के बाद एक हॉकी से मजनू और सर्किट पर वार करती है और जमकर दोनों की कुटाई करती है, जिसके बाद पांचों बहुएं मिलकर मजनू और सर्किट को घसीट कर बाजार के चौराहे पर ले आती है और लोगों की भीड़ को जमा कर लेती है। उसी भीड़ में रविका भी मौजूद थी। तभी अनु कहती है, अले आप लोदो तो त्या लगता है ती अदल किती में कोई कमी है, तो त्या वो अलतीत के लिए किसी तक मोहताज बन के लेगा या हमेशा तब की गुलामी करेगा, खुद के लिए कोई आवाज नहीं उठाएगा। आप देते तोती तोत वाले मदद बनाने वाले लोदोते एक बदते ऐते धुंधती हिम्मत बलदाती है कि वो हम देतो का मदद बनाए या किती ओल को थेल थरे, त्योती थीत तो इन्हें आप लोग ही देते हैं हम लोदोता मदाक बनाने के लिए। अले आप लोग किती की तम्मी को तंदोली ना तमते उतर तहाला दे उतर तात दे तो तभी तिति धूंधे तोतले अंधे और लंगे को तिति के ताते जरूरत ना हो। अपनी बहुओं की बात सुनकर रविका तालियां बजाते हुए भीड़ से बाहर आती है और रविका के साथ साथ बाकी सभी लोग भी अनु माही नीरा काजू और शिखा के लिए तालियां बजाते हैं, जिसके बाद रविका पुलिस को कॉल करके मजनू और सर्किट को जेल में डलवाती है और अपनी पांचों बहुओं के साथ घर वापस लौट आती है और अब वो अपनी पांचों बहुओं को अपनी बेटी की तरह प्यार करती, साथ ही उन्हें कभी ताना नहीं मारती। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।